नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मास्टर स्ट्रोक पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले 9 खबरों के साथ करेंगे मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत। एक एक खबर विस्तार से आपको बताएंगे। आगे हम कांग्रेस को कई मौकों पर मदद करने वाले कर्नाटक के नेता और मंत्री डी के शिव कुमार अब खुद बड़ी परेशानी में आ चुके हैं। उधर दूसरी तरफ पूर्व रक्षा मंत्री ने फिर राफेल को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कई आरोप लगाए हैं और कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया गया। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी आज एंटनी को जवाब दिया है। निर्मला ने यहां तक कहा कि यूपीए ने ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को डील से बाहर कराया था। मोहन भागवत ने आज विरोधियों को जवाब देते हुए कहा कि संघ के रिमोट से नहीं चलती है सरकार, मांगने पर ही सलाह दी जाती है। बिहार कांग्रेस का नया अध्यक्ष मदन मोहन झा को बनाया गया है। बिहार कांग्रेस में कई दूसरे विभागों के भी अध्यक्ष चुने गए, जिनसे लगता है कि कांग्रेस ने वहां समन कार्ड खेला है। देश की न्यायपालिका की हालत क्या है, यह आज साफ हुआ है। आपको बता दें, जब पता चला कि कोर्ट में 10 साल पुराने 22,90,363 केस पेंडिंग है, हालात क्या है आप समझ सकते हैं। दो दिन में सेंसेक्स 800 अंकों से ज्यादा का गोता लगा चुका है। विदेशी निवेशक पैसे निकाल रहे हैं, तो ये एक बुरी खबर। उधर डॉलर के मुकाबले रुपया 72.98 पर पहुंच चुका है, ये खबर भी अच्छी नहीं है। और अब अगली खबर, कल एशिया कप में भारत पाकिस्तान भिड़ेंगे। इससे जुड़े दिलचस्प किस्से रात 9:30 बजे एबीपी न्यूज पर आप जरूर देखिएगा। अब बात उस खुलासे की जो कांग्रेस के लिए आने वाले दिन में मुश्किल का सबब बन सकता है। ओपी तिवारी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मुसीबत के वक्त कांग्रेस विधायकों को अपने इस रिजॉर्ट में रखने वाले कर्नाटक के कद्दावर नेता और मंत्री डी के शिव कुमार ही अब मुसीबत में हैं। वो भी अपने ही सरकारी अफसर अंजनैया हनुमंता के खुलासे के चलते। दिल्ली के कर्नाटक भवन में सहायक लाइजन अधिकारी अंजनैया का नाम 2017 में तब सामने आया था जब डी के शिव कुमार के ठिकानों पर छापे मारे गए थे। इसी दौरान उनके दिल्ली के फ्लैटों के बारे में पता चला था। फ्लैट की चाबियां अंजनैया के यहां से बरामद हुई थी और फ्लैट से 8 करोड़ रुपए से ज्यादा बरामद हुए थे। हम इस समय खड़े हैं B2/107 सफदरजंग एन्क्लेव दिल्ली। ये मकान भी दस्तावेजों में डी के शिव कुमार से संबंधित बताया जाता है और दस्तावेजों के मुताबिक इस मकान से भी आयकर विभाग को रकम बरामद हुई थी। अलग अलग फ्लैट से बरामद सारा पैसा डी के शिव कुमार का है। ये पैसा कभी किसी आदमी के जरिए आता था और कभी राजेंद्रन के पास से। राजेंद्रन भी कर्नाटक सरकार का सेवानिवृत्त अधिकारी है और वो भी डीके के लिए काम करता है। हर महीने 2 से 3 करोड़ रुपया आता था और फिर डीके शिवकुमार के निर्देश पर इधर उधर दिया जाता था। दिल्ली में फ्लैट खरीदे ही इसलिए गए ताकि वहां कैश रखा जा सके। जांच एजेंसी के अधिकारियों ने जब अजनैया से पूछा कि वो एक सरकारी अधिकारी होने के बावजूद ऐसा खतरनाक काम क्यों कर रहा था, इस पर जवाब में अजनैया ने कहा कि डीके शिवकुमार ने उससे वादा किया है कि उसे मकान बनाने के लिए बेंगलोर में एक प्लॉट दिला देंगे। साथ ही वो जब भी आते हैं तो उसके बच्चों को 10 से 15 हजार रुपए बतौर गिफ्ट देते हैं। दिलचस्प ये कि पैसे इधर उधर करने के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल होता था। मसलन 65 लाख की रकम के लिए 65 किलोग्राम शब्द का इस्तेमाल। कुल मिलाकर डी के शिव कुमार कटघरे में है। आयकर विभाग ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया है और ईडी भी अब कई लोगों से पूछताछ करेगी। देखिए, इसका मैं कुछ भी बात नहीं करना चाहता प्रेस का, मीडिया का, बिकॉज आई एम ए गवर्नमेंट सर्वेंट। मैं कुछ भी बात भी नहीं करना और मीडिया का आगे मैं आना नहीं चाहता। कर्नाटक कांग्रेस के मंत्री डी के शिवकुमार के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। लेकिन मुद्दा सिर्फ शिवकुमार का नहीं है, जिन पर इल्जाम है कि उनके इशारे पर हवाला का पैसा इधर से उधर होता था। दरअसल जांच अधिकारियों के सामने कर्नाटक भवन के अधिकारी ने जो खुलासे किए हैं उसकी आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तक पहुंच रही है। मेरे हाथ में जो दस्तावेज आप देख रहे हैं, इन्हीं दस्तावेजों में कर्नाटक सरकार के मंत्री डी के शिवकुमार के खासम खास अजनैया ने सनसनीखेज खुलासा किया है। खुलासा ये कि कर्नाटक के मंत्री डी के शिवकुमार के इशारे पर चांदनी चौक से अनेकों बार पैसा लाकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में जमा कराया गया। अंजनैया के तार डी के शिव कुमार से जुड़े हैं और शिव कुमार कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। और जिस तरह AICC तक पैसा पहुंचाने की बात सामने आई है, उसने कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी है। अब इस दस्तावेज को देखिए। जांच अधिकारी ने जब अंजनैया से सवाल किया कि जगदीश चंद नामक शख्स ने अपने बयान में यह कबूल किया है कि चांदनी चौक से लाया गया पैसा कांग्रेस के दफ्तर पहुंचाया जाता था, तो जवाब में अंजनैया ने कहा कि
हाँ, मैं जगदीश चंद के बयान से सहमत हूँ कि मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अकबर रोड स्थित दफ्तर में कैश लेकर जाता था, लेकिन मैं कभी जगदीश चंद के साथ चांदनी चौक नहीं गया। अधिकारियों ने जब पूछा कि AICC में कितना पैसा किसे दिया, तो अंजनैया ने जवाब दिया कि मैं इस बारे में नहीं जानता कि कितना कैश AICC के दफ्तर में ले जाया जाता था। इस बात की जानकारी राजेंद्रन रखता था और वो बाकायदा इसकी लिस्ट भी तैयार करता था। मैं तो उसके साथ जाता था और ये पैसा कांग्रेस ऑफिस के अकाउंट सेक्शन में जमा कराया जाता था। तो क्या कांग्रेस का कामकाज हवाला के पैसों से चलता रहा या चलता है? आखिर AICC का चांदनी चौक कनेक्शन क्या है? ये सवाल तो हैं और जवाब अब कांग्रेस को देने हैं। दे हैव बीन हंटिंग DK शिवकुमार फॉर द पास्ट सो मेनी मंथ्स। द मैन हैज नॉट गिवन इन। So of course they'll book these cases against him. Everyone knows how the ED is being used or misused. जांच से जुड़े एक आला अधिकारी ने बताया कि इस मामले में किन लोगों के जरिए चांदनी चौक में हवाला का पैसा आता था, इस बारे में जांच की जा रही है। साथ ही AICC के खाते में कितना पैसा जमा कराया गया, इसकी भी जांच की जा रही है। इस बारे में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी एक मुकदमा दर्ज किया है और जरूरत पड़ने पर कांग्रेस के कई बड़े लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तो एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेता हवाला के मामले में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए चंदा जुटाने का बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस अभियान से कांग्रेस 500 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहती है। ২০১৯ में मोदी को टक्कर देने की तैयारी में जुटे राहुल गांधी के सामने न सिर्फ कांग्रेस को मजबूत करने बल्कि फंड की कमी से जूझ रही पार्टी के लिए पैसों का इंतजाम करने की भी चुनौती है। इसके लिए कांग्रेस ने अब बूथ स्तर पर लोगों की मदद लेने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने देश भर में 10 लाख बूथों से 500 करोड़ का चंदा जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हर बूथ कमेटी को 5,000 रुपए चंदा जमा करने के लिए कहा गया है। पहले घर घर जाके पैसे मांगे जाते थे, वक्त आ गया वापिस की कांग्रेस जनसंपर्क भी करेगी, कांग्रेस अपनी बात पहुंचाएगी, क्या स्टेट का इश्यू है, क्या नेशनल इश्यू है, और साथ में फंड इकट्ठा भी करेगी। तो 2 अक्टूबर से हमारा अभियान शुरू हो रहा है। दरअसल 2013 से 2014 में जहां कांग्रेस की घोषित आय 598 करोड़ थी, वहीं 2016 से 17 में घटकर सिर्फ 225 करोड़ रह गई। यानी सत्ता गंवाने के बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार पैसे की कमी से जूझ रही है, इसीलिए अब घर घर जाकर चंदा मांगने से लेकर ऑनलाइन चंदा लेने की व्यवस्था शुरू की गई है। राजस्थान में इसके लिए कांग्रेस ने बकायदा एक वेबसाइट भी बना दी है। जनसंपर्क के जरिए 1.5 महीने में कांग्रेस पार्टी 500 करोड़ रुपए चंदा जमा कर भी ले तो भी चुनाव जितने खर्चीले हो चुके हैं उस लिहाज से ये रकम ज्यादा नहीं है। हालांकि जानकारों की माने तो इस अभियान के जरिए कांग्रेस का असली मकसद चंदा इकट्ठा करना कम और घर घर जाकर सहानुभूति इकट्ठा करना ज्यादा है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ जैनेन्द्र, ABP न्यूज दिल्ली। तो कांग्रेस का मिशन बड़ा है, एक तरफ 500 करोड़ इकट्ठे करने हैं तो दूसरी तरफ 2019 के लिए लोगों को लुभाना भी है। फिलहाल अगली खबर आपको दे देते हैं। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में केजरीवाल एंड कंपनी की परेशानी कुछ बढ़ गई है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने CM अरविंद केजरीवाल, डिप्टी CM मनीष सिसोदिया और 11 दूसरे विधायकों को आरोपी के तौर पर समन जारी किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी CM मनीष सिसोदिया समेत ये वो 13 विधायक हैं जिन्हें दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित मारपीट और बदसलूकी के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने समन भेजा है। सभी को 25 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होना है। मामला 19 फरवरी का है जब CM आवास पर आधी रात को दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित मारपीट व बदसलूकी की गयी थी। दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में सील कवर में 1,533 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट के मुताबिक आरोपियों पर गलत तरीके से बंधक बनाने, सरकारी कर्मचारी को अपने काम करने से रोकने, अपमान करने और अपराध के लिए उकसाने का भी आरोप है। पुलिस के मुताबिक जिस दौरान ये घटना हुई उस समय केजरीवाल भी वहीं पर मौजूद थे। वैसे समन को लेकर आम आदमी पार्टी का आरोप है कि डोर स्टेप डिलीवरी योजना से मोदी सरकार घबरा गई है, दिल्ली सरकार को बदनाम कराने के लिए बोगस चार्जशीट दर्ज करवाई गई है
और चीफ सेक्रेटरी की पिटाई का मामला ट्रायल कोर्ट में बुरी तरह से गिरेगा। जाहिर है कोर्ट में क्या होता है इस पर सभी की नजर है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी पिटाई मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप जरूर तेज होंगे। दिल्ली में संघ प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों भारत का भविष्य नाम के कार्यक्रम में तमाम मुद्दों पर संघ का रुख लोगों के सामने रख रहे हैं। इसी कार्यक्रम में बोलते हुए आज मोहन भागवत ने कहा कि ये कहना सही नहीं है कि केंद्र की मोदी सरकार का रिमोट नागपुर में आरएसएस के हाथ में है। ये जो लोग कयास लगाते हैं कि नागपुर से फोन जाता होगा और बात होती होगी, बिल्कुल गलत बात है। एक तो वहां काम करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता सब मेरी आयु के हाथ वहां मेरे से सीनियर है, और संघ कार्य का जितना मेरा अनुभव है कदाचित उससे अधिक अनुभव उनको राजनीति का है। उनको अपनी राजनीति चलाने के लिए किसी के सलाह की आवश्यकता नहीं है। हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, हम सलाह दे भी नहीं सकते। परिचित है तो हालचाल पूछते हैं, क्या चाहिए तो वो पूछते हैं, अगर हम दे सकते तो हम देते हैं, परंतु उनके राजनीति पर हमारा कोई प्रभाव नहीं, सरकार की नीतियों पर हमारा कोई प्रभाव नहीं है। विविधता में एकता, वो विचार देने वाली हमारी चलती आई हुई विचारधारा है, उसको दुनिया हिंदुत्व कहती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कहा जाएगा कि हाँ मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। और अब बात भारत पाकिस्तान सरहद से, जहां पाकिस्तान की फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया है। ये खबर सामने आई है, सुबह से लापता था बीएसएफ का जवान। पाकिस्तान की फायरिंग में जवान की शहादत की खबर सामने आई। इस बीच जवान के अगवा होने की खबर आई थी, लेकिन देर शाम सर्च पार्टी ने शहीद का पार्थिव शरीर बरामद कर लिया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।